जय जिनेंद्र दोस्तों, जय पाठशाला आपका स्वागत करता है। अंतर मन की प्रभु प्रार्थना। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपके समक्ष भूतकाल में अनंत भवों में किए पापों तथा इस भव में किए हुए पापों की क्षमा मांगता हूँ, उसकी निंदा तथा गर्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, सर्व पापों का मिच्छा में दुकड़म करता हूँ तथा भविष्य में मुझसे पाप न हो ऐसी प्रार्थना आपके समक्ष करता हूँ। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, सुकृत करने वाले व्यक्तियों में अग्रगण्य श्री जिनेश्वर देव, सिद्ध भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, देशवीरतिधर ऐसे महाश्रावक, सम्यक दृष्टि दे आत्मा तथा मनुष्य के तीनों काल के सुकृतों की आपके समक्ष अनुमोदना करता हूँ। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, मेरे द्वारा अनंत भवों में किए हुए सुकृत तथा इस भव में किए हुए सुकृतों की अनुमोदना करता हूँ तथा भविष्य में भी सुकृत करने का क्रम चलता रहे ऐसी प्रार्थना आपके समक्ष करता हूँ। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से तथा मेरे पुण्य से मिली शक्ति संपत्ति आपको तथा आपके शासन को समर्पित करने का मन हो तथा आत्मलक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा हो। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपकी आज्ञा सच्ची है, शंका रहित है तथा सभी प्रकारों से मुझे मान्य है। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हे अर्थात छोड़ने योग्य को छोड़ने का तथा उपादेय अर्थात आचरने योग्य को आचरण करने का मन हो। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हे अर्थात छोड़ने योग्य को मैं छोड़ सकता नहीं तथा उपादेय अर्थात आचरण करने योग्य का आचरण कर सकता नहीं, इसका मुझे अत्यंत दुख है। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हे अर्थात छोड़ने योग्य तथा उपादेय अर्थात आचरण करने योग्य का आचरण जो आत्माएं कर चुकी है, कर रही है तथा करने वाली है, उन सब की मैं खूब हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, मुझे ममता तथा समाधि प्रदान कीजिए, मुझे राग द्वेष तथा मोह से मुक्त कीजिए, मुझे निष्पाप जीवन जीने की शक्ति दीजिए, मुझे विषय वासना तथा पाप वासना से मुक्त कीजिए, मुझे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन रत्न प्रदान कीजिए, मेरे देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाइए, मुझे दान शील तप तथा भाव रूपी चार प्रकार के धर्म में लीन कीजिए, मुझे क्रोध मान माया और लोभ रूपी चार कषायों से मुक्त कीजिए, मैं सुख में लीन न बनूं तथा दुख में दीन न बनूं ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे सुख छोड़ने की तथा दुख भोगने की शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मेरे जीवन में से पाप दूर करने की शक्ति प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में सुख तथा शांति प्रदान कीजिए, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् करुण्य भावे रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, मैं हिंसक हूँ, मुझे अहिंसक बनाइए, मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे सत्यनिष्ठ बनाइए, मैं कृपण हूँ, मुझे उद्धार बनाइए, मैं कामी हूँ, मुझे ब्रह्मचारी बनाइए, मैं असंयमी हूँ, मुझे संयमी बनाइए, मैं क्रोधी हूँ, मुझे क्षमाशील बनाइए, मैं मानी हूँ, मुझे विनयशील नम्र बनाइए, मैं मायावी हूँ, मुझे सरल बनाइए, मैं लोभी हूँ, मुझे संतोषी बनाइए, मैं रागी तथा द्वेषी हूँ, मुझे वितरागी बनाइए, मैं दोष दृष्टि हूँ,
मुझे गुणानुरागी बनाइए। मैं परनिंदक हूँ, मुझे अप्रमद बनाइए। मैं प्रमादी हूँ, मुझे अप्रमद बनाइए। मैं निष्ठुर हूँ, मुझे दयालु बनाइए। उपरोक्त अवगुणों से भरपूर ऐसे संसार में भटकते हुए मुझे आपके समान सर्व दोष मुक्त तथा सर्वगुण संपन्न मोक्षगामी बनाइए। हे परमात्मा, हे वितराग देव, हे देवादिदेव, मैं अनाथ हूँ, आप मेरे नाथ हो। मैंने भवोभव आपको अपना नाथ स्वीकारा है, अब भवोभव आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके उपकारों को बदला चुकाया जा सके वैसी शक्ति नहीं है। आपने मुझे आपका शासन दिया, पांच इंद्रियों की पटुता दी, आप मिले, आपका शासन मिला, देह गुरु और धर्म मिले, फिर भी मैं भोग का भिखारी तथा खाने का रासिक बन गया। मेरा क्या होगा? मन के घोड़े तथा इंद्रियों के घोड़े पूर्ण रफ्तार से दौड़ रहे हैं, उन्हें रोकने की शक्ति प्रदान कीजिए। आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए मैंने अनंत भव में अनंत पाप किए हैं, जिससे मेरे भव भ्रमण का चक्कर चालू ही है। आप मेरे भव भ्रमण को दूर कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो और कौन दूर करेगा? आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप नहीं तारेंगे तो और कौन तारेगा? आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु और आप ही मेरे सर्वस्त्र हैं। भगवान, मुझे आपका शरणा स्वीकार हो। आप ही सहारा हैं, आप जैसे नाथ मिले और मैं भिखारी। आप जैसे नाथ मिले फिर भी मैं भव भव का फेरा लगा रहा हूँ, ऐसा कौन हो सकता है? हे प्रभु, इसमें मेरी ही गलती है। आपका शासन मिलने पर भी उसे जानने का प्रयत्न नहीं किया, शासन का स्पर्श नहीं किया। आप मिले, आपको भी नहीं जाना, आपके सामने गुणों की प्राप्ति करने का प्रयत्न नहीं किया। मैं कैसा पापी, अभागी, दुर्भागी हूँ। मिला हुआ जीवन हार गया। आप मेरे भवोभव के रखवाले तथा साथी बनना। अब भी शेष बचे हुए जीवन को आप सुलझा दीजिए, तार दीजिए। आप नहीं तारेंगे तो कौन तारेगा, उतारेगा? हे प्रभु, आप कहाँ और मैं कहाँ? आप सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञानी हूँ। आप सिद्धवास में हैं और मैं संसार में भटक रहा हूँ। आप करुणा के सागर हैं और मैं करुणा का पात्र हूँ। आप कर्म रहित हैं, मैं कर्म सहित हूँ। आप दयालु हैं, मैं दया के योग्य हूँ। आप तपस्वी हैं और मुझे भोजन प्यारा है। आप ब्रह्मचारी हैं और मैं वासना का भूखा हूँ। आप त्यागी हैं और मैं भोगी हूँ। आप विरागी हैं और मैं रागी हूँ। आप सर्वगुण संपन्न हैं और मैं सर्वदोष युक्त से हूँ। आपका शासन पाकर अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं। मैं पापी हूँ, दुर्भागी हूँ। आपका तारक शासन पाकर भी मोक्ष नहीं जा सकता। आप मेरे दोष दूर कीजिए तथा आपके जैसे मोक्षगामी होने की शक्ति दीजिए। आप मुझे आंतरिक आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं तप त्याग में आगे बढ़ूं, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ूं, आराधना साधना में आगे बढ़ूं, आपके संयम मार्ग को ग्रहण कर आपकी आज्ञा अनुसार निर्तिचार पूर्वक चारित्र का पालन करते हुए आठों कर्मों का नाश करके कम से कम भवों में मुक्त बनूं। आपकी आज्ञा विरुद्ध कोई भी अप्रतिकारक वचन बोला हो अथवा आशातना हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आप आंतरिक आशीर्वाद दीजिए, आंतरिक आशीर्वाद दीजिए, आंतरिक आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।